आज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डू यू वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग? अगर आपका माइंड तुरंत और क्लियरली नो बोलता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मेरे व्यूज भी। पर अगर आपका माइंड यस बोलता है बिना किसी कंफ्यूजन के तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैंने कई पेशेंट्स को स्मोकिंग छोड़ने में मदद की है यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक अप्रोच। ये वीडियो कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये एक रिसर्च बैक्ड डे बाय डे फ्रेमवर्क है जिसे कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं। हम इस जर्नी को समझेंगे तीन जोन्स में, रेड जोन जो कि विड्रॉल जोन है, येलो जोन ट्रिगर्स और ग्रीन जोन हीलिंग एंड फ्रीडम। मैं आपको हर फेस के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूंगा और साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशंस। पहले कोल्ड टर्की का क्या मतलब है? एक दिन से पूरा बंद करना, नो टेपरिंग, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ क्लियर डिसीजन और कमिटमेंट, बिना किसी गम के, बिना पैचेस के, बिना वेप्स के, सिर्फ प्लानिंग और विल पावर के साथ। तो बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में डे वन टू डे फाइव आता है। रेड जोन सबसे इंटेंस होता है। ये वो फेज है जहां पे बॉडी और ब्रेन दोनों निकोटीन के बगैर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अनकंफर्टेबल है बट सिर्फ शॉर्ट टर्म है। मोस्ट पीपल स्मोक इन अ स्पेसिफिक पैटर्न और स्केड्यूल एवरी डे, जैसे मॉर्निंग चाय के साथ, लंच के बाद, ऑफिस ब्रेक पे या स्ट्रेस के बाद। आपका फर्स्ट टास्क है आइडेंटिफाई करना कि आपका स्मोकिंग रूटीन क्या है, उस रूटीन को तोड़ना पड़ेगा या रिप्लेस करना होगा। डे वन को क्या बोलते हैं? इसको केमिकल शॉक डे बोलते हैं। निकोटीन छोड़ते ही ब्रेन शॉक में चला जाता है। इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, गुस्सा, डिस्ट्रैक्शन, नींद का डिस्टर्ब होना, ये सब सिम्टम्स आते हैं और ये सब नॉर्मल है। क्रेविंग हर 20 मिनट में आ सकती है। हर बार जब क्रेविंग आए आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा। ये क्रेविंग्स इंटेंस होती है लेकिन वो सिर्फ कुछ मिनट चलती है। अगर आप उन कुछ मिनट्स को डिस्ट्रैक्ट कर पाए पानी पी के, वॉक पर जाके या किसी से बात करके, तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली चली जाती है। ये एक वेव की तरह होती है, ये आती है, पीक करती है, फिर चली जाती है। आपको सिर्फ उस वेव के ऊपर टिकना है, उसके नीचे नहीं जाना। एक टिप है कैमोमाइल टी, अगर आप दिन में 2 से 3 बार पिए स्टार्टिंग में, मील से पहले और बाद में, तो आपका नर्वस सिस्टम सूद होता है और एंग्जाइटी नेचुरली कम होती है। सिनेमन स्टिक चू कर सकते हैं, फेनल सीड खा सकते हैं ताकि अर्ज ना हो स्मोक करने के लिए। अब बात करते हैं डे टू, ये भी रेड जोन में आता है। फिजिकल रिएक्शंस, बॉडी डिटॉक्स मोड में होती है, कॉफिंग शुरू होती है जो पहले इरिटेट करती थी बट एक्चुअली लंग्स के अंदर से तार और टॉक्सिक पार्टिकल्स बाहर निकालने की प्रोसेस का हिस्सा होती है। थ्रोट सोर होता है क्योंकि लाइनिंग अब हील कर रही होती है। एनर्जी लो लगती है क्योंकि बॉडी इंटरनल रिपेयर पे फोकस करती है। ये सब टॉक्सिन्स निकालने के नेचुरल साइंस हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रिकवरी मोड में एंटर कर चुकी है। इस डे के लिए एक टिप है, आप लेमन हनी वार्म वाटर सुबह और क्लोव रात को ले सकते हैं। लाइट स्ट्रेचिंग या डीप ब्रीदिंग करिए और इससे भी आपको हेल्प होगी। डे थ्री, निकोटीन इज आउट। अब निकोटीन कंप्लीटली आउट हो चुका है। ये एक मेडिकल माइलस्टोन है, आपकी बॉडी अब फिजिकली निकोटीन फ्री है। लेकिन क्रेविंग्स अब भी है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। ब्रेन आपको उन्हीं जगहों, सिचुएशंस और फीलिंग्स के थ्रू ट्रिगर करता है जहां आप पहले स्मोक करते थे। अब एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होता है। अब आपको ब्रेन की कंडीशनिंग को चैलेंज करना पड़ेगा। इस दिन के लिए एक टिप है, कैरी अ कार्ड विद 3 reasons why you quit और उन्हें डेली सुबह और रात को पढ़े ताकि वो रीजन सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चलते रहे। जब क्रेविंग्स आए कार्ड को जोर से पढ़े या अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करके सुन ले। इसके अलावा आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, कई ऐप्स आती हैं जो आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करती है। ई विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी हेल्प करती है। इमेजिन योरसेल्फ ब्रीदिंग फ्रीली हेल्दी इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। डे फोर, मेंटल फटीक। आपको कन्फ्यूजन फील हो सकता है, फॉगी ब्रेन, लो मूड, ये नॉर्मल है, आपका ब्रेन एडजस्ट कर रहा है डोपामीन के बगैर। इधर के लिए टिप है कि आप बॉक्स ब्रीदिंग ट्राई करें, 4 seconds inhale, 4 seconds hold, 4 seconds exhale, 4 seconds hold टू काम योर नर्वस सिस्टम। रिसर्च शोज इट एक्टिवेट्स द पैरासिम्पेटेटिक नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूसेस एंग्जाइटी इन हाई स्ट्रेस मोमेंट्स। पेयर दिस विद माइल्ड इवनिंग एक्टिविटी, जैसे कि आप 15-20 मिनट के लिए वॉक पे चले गए, डिनर के बाद कोई स्ट्रेचिंग कर ली या किसी से बात कर ली। स्टडी ये भी दिखाती है कि लाइट मूवमेंट्स पोस्ट मील्स इंप्रूव डाइजेशन एंड स्लीप क्वालिटी। अवॉइड कैफीन आफ्टर 4 o'clock एंड स्टिक टू अ कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल टू हेल्प योर ब्रेन रीसेट इट्स नेचुरल रिदम।
because quality sleep is a strong predictor of relapse control in early withdrawal. Day 5, peak craving. ये सबसे dangerous दिन होता है. लोग कहते हैं सिर्फ एक puff मिल जाए, but वही पुरानी cycle शुरू हो जाती है. आपने 4 दिन झेला है, एक puff सब खत्म कर देगा. इस दिन को पहले plan करिए, boredom को avoid करिए. Stay with a supportive person. Don't meet friends who smoke at this day. Try a new location for coffee to break association. Evening gratitude journaling कर सकते हैं. अपनी family से बात करें, walk पे जाएं, अपने आप को occupied रखें ताकि वो urge ना है. मैंने नीचे description में एक PDF link भी डाला हुआ है ताकि आप इस road map को print out करके अपने कमरे में लगा सकें और रोज देख सकें जब आप इस journey को शुरू करें. ये एकदम free है. आपको कोई course करने की ज़रूरत नहीं है smoking छोड़ने के लिए. ये आपकी हेल्थ के लिए है और एब्सोल्युटली फ्री है. अब बात करते हैं येलो जोन की, जो वीक 2 टू वीक 4 होता है. रेड जोन से निकलना एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, लेकिन रिसर्च ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा रिलैप्सेस इस येलो जोन में होते हैं. ये फेज ट्रिकी होता है क्योंकि विड्रॉल फिजिकली विजिबल नहीं होता, पर ब्रेन के अंदर हैबिट ट्रिगर्स अभी भी एक्टिव होती हैं. सिचुएशनल क्रेविंग्स क्वाइटली वापस आती हैं और अगर आप अवेयर नहीं रहे तो बिना वार्निंग के स्लिप हो सकते हो. वीक 2, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. सिगरेट की क्रेविंग अब स्पेसिफिक मोमेंट से जुड़ी होती है, जैसे चाय, फोन कॉल या किसी जगह पे जाना. ये ऑटोमेटिकली अर्ज जो होती है ब्रेन के लर्न्ड मेमोरी रिस्पॉन्स से आती है. रिसर्च सजेस्ट करता है कि हैबिट बेस्ड क्रेविंग्स कुछ सेकंड से लेके 5 मिनट तक रह सकती है और अगर उन्हें ब्रेक किया जाए तो रिलैप्स मिनिमम हो जाता है. इसके लिए टिप है कि आप रिप्लेस करिए हैबिट्स को. चाय के साथ हर्बल टी ले लो, स्ट्रेस के वक्त पेन या स्ट्रेस बॉल पकड़ो. Start journaling after meals instead of smoking. Make a list of top 5 triggers and write new alternatives beside each. Week 3, dopamine drop. Ab motivation low ho sakta hai aur kafi log bolte hain ki unhe life dull lagti hai. Is phase ko emotional numbness kehte hain, jahan brain temporarily dopamine level reset karta hai. Studies show 2-3 weeks after quitting, natural dopamine production wapas gear mein aata hai. लेकिन इस बीच पेशेंस और स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है. एक टिप इस जोन के लिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. 30 मिनट्स वॉक, एक्सरसाइज विद सनलाइट एंड म्यूजिक. इससे आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड रहता है और वो क्रेविंग्स नहीं आती. वीक 4, विजिबल इंप्रूवमेंट. ब्रीदिंग नोटिसेबली स्मूदर हो जाती है. मॉर्निंग कफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है. टेस्ट और स्मेल सेंसेस वापस आने लग जाते हैं. आपको फूड फ्लेवरफुल लगता है. स्किन में टाइटनेस और ग्लो आती है और लोग आपका फेस फ्रेश कहने लगते हैं. ये रिवॉर्ड फेज है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है. बॉडी की इन्फ्लेमेशन लेवल्स डाउन जाते हैं एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू सेल्स इंप्रूव करती है, इसलिए ये सारे चेंजेस आते हैं. इधर के लिए टिप है, आप ट्रैक करें हेल्थ मेट्रिक्स, स्टेयर्स क्लाइंब टाइम, मॉर्निंग एनर्जी, पल्स रेट. इस टाइम पर अपने आपको रिवॉर्ड करिए. आप बाहर जाइए खाने के लिए, कोई आउटिंग करिए या कोई मूवी के लिए जाइए, कुछ प्लान करिए इस टाइम के लिए. ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है आपके लिए. अब बात करते हैं ग्रीन जोन के लिए, जो 1 month एंड बियॉन्ड है. ग्रीन जोन में आप एक एक्स स्मोकर बन चुके हैं. साइंटिफिकली स्पीकिंग आपकी बॉडी मेजर फिजिकल डिपेंडेंसी निकल चुकी है, लेकिन अब मेंटल एंड बिहेवियर पैटर्न्स को रीइंफोर्स करना होता है. अब चैलेंज है कि आप इस नई आइडेंटिटी को मेंटेन कैसे करते हैं बिना वापस पुरानी रूटीन पे जाए. स्टडी शो दैट द फर्स्ट 3-12 मंथ्स पोस्ट क्विटिंग आर द मोस्ट क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग रिलैप्स, क्योंकि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको टेस्ट करता है. फर्स्ट मंथ इज हेल्थ रीसेट. ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है, लंग्स का ऑक्सीजन एक्सचेंज फंक्शन मेजरेबली इंप्रूव होता है. स्टडी शो करती है 1 month के अंदर ही अंदर सिलरी फंक्शन लंग्स का, जो पहले स्मोक से डैमेज थी, वापस एक्टिवेट होने लगती है. आपको स्टेयर्स चढ़ने में कम थकावन फील होगी. कॉफ सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा क्योंकि म्यूकस क्लियरेंस बेटर हो चुकी है. फिजिकल स्टैमिना आपका इंप्रूव होगा. अगर आप पहले आधा घंटा भाग पाते थे, अब आप 45 मिनट्स भाग पाओगे. इधर मैं आपको एक टिप दूंगा, एक फुल बॉडी चेकअप बुक कराइए. देखिए हाउ मच यू हील्ड. अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, अपने सारे ब्लड टेस्ट कराइए ताकि आपको एक बेस मिल जाए कि मैं इधर पहुंच चुका हूं, अब 3 महीने या 6 महीने बाद कितनी इंप्रूवमेंट होती है. 3 months हार्ट एंड लंग स्टार्ट हीलिंग. हार्ट अटैक का रिस्क अब 50% तक रिड्यूस होता है, स्पेशली अगर आप फिजिकली एक्टिव रहना शुरू कर देते हैं. लंग्स के अंदर के टाइनी फिल्टर्स जिसे सिलिया कहते हैं, अब प्रॉपरली रीजनरेट होने लगते हैं. जो पहले टार और कार्बन डिपॉजिट से ब्लॉक थे, ये इंटरनल हीलिंग का डीप फेज है जहां कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पुराना बैलेंस ढूंढ रहा होता है. इधर के लिए टिप है, स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 4-7-8 टेक्निक. योगा करिए, हाइकिंग पे जाइए, स्विमिंग करिए once a week.
नेक्स्ट है 6 to 12 months, एकदम आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आपको स्मोकिंग की याद ओकेशनली आती है, और जब आती भी है आपका रिस्पॉन्स मेच्योर और कंट्रोल्ड होता है। सेलिब्रेशंस, स्ट्रेस, बोर्डम, आप सब कुछ बिना स्मोक के मैनेज कर सकते हो। आप इमोशनली ज़्यादा स्टेबल फील करते हो। फ्रेंड्स और फैमिली भी नोटिस करते हैं कि आप काम, क्लियर हेडेड और फिजिकली हेल्दियर लग रहे हो। ये कंप्लीट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है, जहां आप एक्स स्मोकर नहीं, एक नए वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन चुके हो। एक चीज़ याद रखिए, स्मोकिंग छोड़ने के बाद वेट बढ़ता है। ऑन एवरेज 6 to 8 kilo बढ़ सकता है पहले साल में आफ्टर यू स्टॉप स्मोकिंग। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले आधा घंटा एक्सरसाइज करते थे, अब आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। स्मोकिंग से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, इसलिए स्मोकिंग छोड़ने के बाद वेट गेन होता है। अगर आप एक्सरसाइज करें तो ये वेट गेन नहीं आता। इस स्टेज के लिए एक टिप है, किसी को मेंटर कीजिए। राइट योर क्विट स्टोरी, इट रीइंफोर्सेस योर सक्सेस। क्विटिंग एक सिंगल डिसीजन से शुरू होता है, एक ऐसा मोमेंट जब आपने सिगरेट को लास्ट बार हाँ बोला। लेकिन रियल सक्सेस तब होता है जब आप हर दिन हर क्रेविंग हर ट्रिगर के सामने खुद को नो बोलने के डिसीजन पर टिके रहते हो। हर दिन का डिसिप्लिन, हर मोमेंट का कंट्रोल, वही बनाता है आपको लॉन्ग टर्म स्मोक फ्री। तो आज फिर से पूछो, डू यू रियली वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग? ये सिर्फ एक हेल्थ का सवाल नहीं है, ये आपकी विल पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर का सवाल है। अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस, और लिखो आप कौन से जोन में हो, रेड, येलो या ग्रीन। आपकी जर्नी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। ये वीडियो अगर किसी एक को भी हेल्प करे तो लाइक करो, किसी दोस्त को शेयर करो जो बार बार कहता है कल से छोड़ दूंगा, और सब्सक्राइब करो फॉर रियल प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड हेल्थ एडवाइस। कोल्ड टर्की इज टफ बट इट वर्क्स, इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट मेथड, नो गिमिक्स, नो डिपेंडेंस। अगर आपका माइंड यस बोलता है तो हीलिंग सिर्फ स्टार्ट नहीं हुई, उसने डायरेक्शन भी पकड़ लिया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नमस्ते।